हाँ, तो आज की क्लास जो है वो महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान सुनिएगा, मज़ा आपको रोज की तरह खूब आएगा। लेकिन सुनिएगा ध्यान से ना, कुछ उल्टा सीधा कर बैठो और हमारे पास आ जाओ। देखिए और सुनिएगा ध्यान से। देखिए कल तो वैसे ओले गिरी रहे थे इसलिए छुट्टी छुट्टी हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका कोई दोस्त है ना, है कोई दोस्त कि नहीं प्रयास? हाँ, तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और कहीं जा रहा है और वो कुछ ऐसे स्थान से निकल रहा है जहाँ बिजली जो है वो अमूमन गिरती रहती है। बिजली जो है वो अमूमन गिरती रहती है, मतलब वो स्थान ऐसा जहाँ बिजली गिरती है। तो वो आपको फ़ोन लगाता है कि भाई यार तुम तो फिजिक्स विजिक्स पढ़ रहे हो, बिजली गिरने वाली है, तो मैं क्या करूँ? मतलब बिजली गिरी तो समझ लो बिजली क्या होती है। मैंने वैसे मैंने आपको ये बताया है कि बिजली कैसे गिरती है, ये बात मैंने आपको बताया है कि बिजली कैसे गिरती है। और जो लोग नए आए हैं या अभी आए हैं उनको मैं थोड़ा सा कोशिश तो करूँगा, पर मैं काफ़ी बता चुका हूँ कि घर्षण के बाद कैसे पानी से प्रेरण होता है और कैसे बिजली गिरती है। ये तो मैंने आपको बताया था कि बिजली धातु की चीज़ों पर जल्दी गिरती है, ये बात तो मैंने आपको बताया था। पॉसिबल है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं दो एक दो हफ्ते से उनको थोड़ा परेश मज़ा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, पर आएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो बताइए क्या आप बोलेंगे? खिड़की खोल कर देखेंगे बिजली किस रंग है? सी, कार को तेज चलाएंगे ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाए। सबसे पहले मैं आपको, जो लोग सी बोल रहे हैं वो शायद धूम फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं। आप इतनी तेज़ गाड़ी तो नहीं चला सकते कि आप बिजली से तेज चल रहे हैं ना, इसलिए आप मतलब परेशान ना हो, किसी पेड़ की जगह खड़े हो जाएंगे। कार में खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे, तो ये सब लोग पढ़ाते हैं। ये कोई बड़ी, जो मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैंने थोड़ा बिजली लगा दी, एनिमेशन डाल दिया है, ये पढ़ाते सब लोग हैं। पर फिर भी आपका और मेरा मन कभी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि कार पर बिजली गिरेगी और हम बच जाएंगे, नहीं होगा ना तैयार। देखो ये पढ़ाते सभी लोग हैं, ये मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ है और ये क्वेश्चन सब लोग पढ़ाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है किसी ने पढ़ाया नहीं हो, किसी ने जल्दी पढ़ा होगा, हम ज़रा टाइम ले रहे हैं ज़रा समझाने के लिए। तो ये एक क्वेश्चन है जो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आज दिन के अंत तक मैं आपको ये विश्वास दिला दूँ। हाँ चलिए, ये दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश की फ़ीस भरे उसके बाद ही फिजिक्स में आ रहे हैं, समझे? चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पे अभी कुछ खास नहीं किया है कि यदि आप कार में जा रहे हैं और बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? खिड़की खोल कर देखेंगे बिजली किस रंग की होती है, है ना? कार में ही खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे रहेंगे, कार को तेज़ चलाएंगे ताकि सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएँ, किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे। तो कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर अपने दोस्त से बोलेंगे कि भाई तुम कुछ मत करो, सबसे पहले खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, पाँव ऊपर कर लो और सीट पे आराम से बैठ जाओ, टच मत करना किसी भी चीज़ को, मतलब जो गाड़ी जो है नॉर्मली मेटल की तो उसको टच मत करना, और एक अच्छी हैवी गाड़ी है तो पॉसिबल है कि आप सुरक्षित बच जाएंगे, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कई लोगों के मन में ये बात नहीं आती समझ में, वो कहते हैं आप सर बोल रहे हो पेपर में आना है तो हम माने ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात को समझना या मानना कि हम कार के अंदर हैं, वो बिजली कार पे बने मतलब गिरेगी और हमें कुछ नहीं होगा, ये आप मान सकते हो? आपको लग रहा है पॉसिबल है कोई आवेश मावेश का कंसेप्ट हो, लेकिन हम तो नहीं मान रहे, पूरी कार ही ना जल जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब फैराडे ने आपको बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो बिजली के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही पागल हैं, उन्होंने पतंग वाला प्रैक्टिकल किया था अगर आपको याद हो। तो ऐसे यहाँ पे आज प्रूव करके दिखाएंगे कार के अंदर खिड़की दरवाजे बंद कर बैठ रहेंगे तो पॉसिबल है कि आप सही सलामत बच जाएं पेड़ की तुलना में, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा अपन को समझना होगा जो बच्चे नहीं आए कि ये होता कैसे, बिजली कैसे गिरती है। तो अब ज़्यादा तो नहीं बता पाएंगे बेटा, बिकॉज बहुत बार बता चुके हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट वाला एक्सपेरिमेंट जो किया था उससे भी काफ़ी कुछ हमें बताया था। तो बेटा क्या होता है कि जब जैसे हम दो चीज़ों को रगड़ते हैं, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था रगड़ने से वो है ना छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित। या मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिखाया, कुर्सी वाला प्रैक्टिकल किसके सुनी नहीं दिखाया अभी तक मैंने, कुर्सी वाला प्रैक्टिकल सबको दिखा दिया हो? हाथ उठाइए, घबराइए नहीं, जल्दी उठाइए हाथ। कुर्सी वाला प्रैक्टिकल मैंने किसके सुनी नहीं दिखाया अभी, 1 2 3 4 5 और हाँ काफ़ी लोग हैं, एक सेकेंड लगेगा। मैंने बताया था कि कंघी को अगर आप घिसते हैं तो
तो कंघी जो है वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर, हाँ, तो घर्षण से ही ऊर्जा आ जाती है इसमें। अब जब तक बच्चे आते रहेंगे, देखिए खींच रही है, इसी को हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। इसके लिए हम दूसरा प्रैक्टिकल बताया था जो को देखना पड़ेगा, इसको देखिएगा। तो देखिए कुर्सी में आप इसको मारेंगे तो घर्षण होगा, क्या होगा, जिस पे आवेश आएगा। कोशिश तो की गई है वीडियो और ज़्यादा क्लियरिटी बनाया गया, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा चिंगारी निकलेगी। किसी को दिखाई दी? Yes, किसी को भी नहीं दिखाई दी? तो ये आप घर पे कर सकते हैं, थोड़ा सा घर्षण करें कुर्सी पे, आदमी को बैठे, बस कोशिश करें कि उसके पाँव कहाँ ना हो, ज़मीन में ना हो, अच्छे से बैठा दें, तो आप देखेंगे व्यक्ति पे आवेश आएगा, उसको टच करेंगे तो करंट लगेगा। प्रयास पे भी किया था क्लास में लाइव और अभय को भी। अब क्या है, एक ही चीज़ बार बार करने में बहुत मज़ा नहीं आता है, देखो अब दो चीज़ें होती हैं, अगर अपन एक ही चीज़ बार बार करो प्रयास, तो जो नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं यही वही 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 बता रहे हैं, और जो दूसरे बच्चे बोलते हैं अरे आसान ने हमें नहीं बताया, ठीक है, फिर भी कोशिश की है। तो क्या होता है कि बादलों में होता है घर्षण, क्या होता है, जिससे ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉन निकल के बादलों पे आ जाते हैं, हवा से घर्षण होता है, हवा से क्या होता है घर्षण, और हवा से प्राची इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकलते हैं। तो क्या होता है कि नॉर्मली तो हवा डेंस नहीं होती, मतलब दूर दूर होते हैं कण, तो घर्षण के इतने चांसेस नहीं होते, पर बरसात के समय ठंडक ही होती है, ठंडक से कण के आ जाते हैं पास पास, तो हवा का घर्षण होता है, तो बादलों पर क्या आ जाता है, आवेश, ठीक है। तो ये आवेश जो उनमें मतलब स्टोर हो गया है, इस स्टोरेज आवेश का क्या होगा इसको हम देखेंगे। और ये बात हमें किसने बताई थी, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये अभिषेक सर नहीं बता रहे हैं, उन्होंने काइट वाला प्रैक्टिकल किया था, बताया था कि बिजली कैसे गिरती, क्यों गिरती। और देखिए बादल पे कौन सा आवेश है, ऋण आवेश, कौन सा आवेश है, ऋण आवेश। अब ये ऋण आवेश ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा, हाँ ये बात क्लियर है कि ऋण ऋण में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो वो जितना है ऋण ऋण क्या जाते हैं, दूर। लेकिन अभी कोई चालक तो है नहीं, कोई क्या नहीं है, चालक, कि भाई चले कहीं चले जाएं। तो अब आपको बताना है, यहाँ पे गौर जरूर करना है ध्यान से, कुछ प्लस भी हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अब ज़रा देखिएगा, देखिए देखिए गौर, एक मिनट, अभी जो पानी बरस रहा है प्राची, उसमें प्लस माइनस क्या है, साथ में है, प्लस माइनस साथ में है, मतलब अभी पानी पे कितना आवेश है, जीरो। मैंने आपको एक क्रिया पढ़ाई थी प्रेरण, याद है प्रेरण, प्रेरण में क्या होता है, निकटवर्ती शरीर पे विपरीत आवेश और दूरवर्ती शरीर पर, तो बादल पे कौन सा है, माइनस। और मैंने आपको बताया था बादल इतने भी ऊपर नहीं होते हैं, तो जब कहीं बहुत सारा पानी भर जाता है, पेड़ है, पेड़ के पत्तों में बहुत सारा पानी स्टोर हो जाता है, तो प्रेरण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा प्रेरण सबसे जल्दी चालकों में होता है, किसमें होता है, तो अगर गलती से तुम कार लियो तो सबसे पहले बिजली तुम्हारे ऊपर गिरेगी, तुम्हारे ऊपर गिरेगी। इसी की दम पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक बनाया था, याद है क्या बनाया था, जहाँ पे जिन शहरों में बिजली कंटिन्यू गिरती रहती है, पता है कि वहाँ बिजली गिरती रहती है, तो वहाँ पे लोग बिल्डिंगों में क्या करते हैं, एक लंबा सा क्या लगाए रहते हैं, एंटेना, एक पतला सा एंटेना लगाए तार का, और वो सीधा कहाँ कनेक्ट करते हैं, जमीन में, ताकि अगर बिजली गिरे तो बिजली धातु पे जल्दी गिरेगी, तो कहाँ पे गिरेगी, लोहे के एंटेना पे गिरेगी, तो लोहे के एंटेना पे गिरेगी तो सीधी कहाँ चली जाएगी, जमीन में, और घर डैमेज नहीं होगा। और वो उनने बनाया था 1800 ईस्वी में, और वो आज तक चल रहा है, वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं, वो ही तड़ित चालक कहलाता है। अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़े हैं तो वहाँ ज़रूर आपने ये सब सुना होगा, तड़ित चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था, इन्हीं का काइट एक्सपेरिमेंट। तो अब होगा क्या कि जो माइनस वाले हैं ना, ये प्लस वालों को क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे पेड़ का, और माइनस वाले नीचे जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे लगभग, नीचे के तले में पहुँच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिएगा, देखिए अभी माइनस वाले नहीं गए, माइनस वाले कहाँ चले गए हैं, नीचे चले गए, और ये ऊपर रह गए। तो अब क्या होगा, प्लस जो है वो रोहित, और माइनस को क्या करेगा, आकर्षक, और चूंकि बादलों में इतना ज़्यादा माइनस है, वो तो निकलने के लिए क्या हो रहा है, कहिए बेताब हो रहा है, क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा है, एकदम से नहीं है, धीरे 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 स्टोर हुआ है, और अब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब बहुत ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, तो अब ये इस पूरे ऋण आवेश को क्या करेगा, खींच लेगा आकर्षण, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो एकदम से जब आएगा बहुत ज़्यादा, चार बार कुर्सी में तौलिया मारने में आदमी को इतनी जोरे करंट लग जाता है, तो सोचिए कितनी ज़्यादा बड़े बादल होते हैं, तो फिर एकदम से क्या होगा, लाइटनिंग हो जाएगी। और ये सामने किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने काइट एक्सपेरिमेंट किया था, अगर आपको याद है
है ना, ये अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के ऐसी जगह गए थे जहाँ पे काइट एक्सपेरिमेंट है, ये इनका एक्सपेरिमेंट है, इन्हें एक चाबी डाली थी तो चाबी ऊपर से चार्ज लेके आई, तो इन्हें बताया था कि कोई इंद्र भगवान का धनुष नहीं है या कोई भगवान का कोप नहीं है, बादल घर्षण के कारण क्या होते हैं आवेश, और इन्हें बिजली गिरने के पहले चाबी के द्वारा उस आवेश को अपने पास लेकर आए थे। ठीक है, और मतलब नॉर्मली मैं आपको बता दूँ कि भैया हेलमेट लगाए हैं लोहे का, ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, इनको हेलमेट नहीं लगाना था। क्यों सर? लेकिन हेलमेट तो अच्छा होता है, क्यों? हेलमेट तो अच्छा होता है ना, लेकिन वो लोहे का होता है, काय का होता है, तो लोहे की चीज़ें बिजली जल्दी गिरती है, समझे? तो वैसे तो सागर में कभी बिजली बिजली गिरती नहीं है, अभी लास्ट टाइम कुछ साल पहले खुरई में गिरी थी एक जगह। तो अगर आपके घर पे कूलर है और आप बरसात के टाइम में कूलर छत पे सुखा देते हैं, मतलब छत पे रख देते हैं, या छत पे लोहे की चीज़ें बहुत ज़्यादा रखे हैं, तो आपके घर में बिजली गिरने के चांस ज़्यादा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को भाई? चलो टेंशन नहीं लो। तो ये बात समझ में आई कि बादलों ही घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं आवेशित, और प्रियण या चारण के कारण उनका आवेश एकदम से कहाँ गिर जाता है? पृथ्वी पे। कहाँ गिर जाता है? पृथ्वी। अब एक एग्जांपल की बात मैं आपको देता हूँ। सपोज ये पानी की टंकी है बहुत बड़ी, वहाँ बनी ना पानी की टंकी, अगर मैं उसमें एक छेद कर दूँ, उसमें क्या कर दूँ, और आराम आराम से पानी आए, तो आप बढ़िया खड़े होकर नहा सकते। कई लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत मतलब कैंची जब कभी कोई पाइप है थोड़ा सा फट जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं आनंद लेने के लिए। सोचिए उस टंकी में मैं बम लगा दूँ और वो पूरी टंकी एक बार में फट जाए, तो क्या आप नहा सकते हैं वहाँ पर? क्यों? पानी तो पानी है ना, पानी तो पानी है ना, क्या दिक्कत है? जब वो बहुत सारा पानी एक साथ आएगा तो उसमें ऊर्जा क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स ऊर्जा को सहने के लायक नहीं है, तो सबको तस नहीं। तो ऐसे ही आवेश पे कम आवेश था, प्रयास ने छुआ, थोड़ा बहुत करने लगा, और बादलों में क्या है? बहुत ज़्यादा आवेश। तो हम ये समझ गए कि बिजली कैसे गिरती है, ये समझ गए कि बिजली कैसे गिरती है। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन चूंकि इतने ज़्यादा लगे थे कि भैया बिजली के पीछे, फिर भी आपको जान के यकीन नहीं होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रूफ नहीं किया था कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाह पृष्ठ पर। अब हम वापस आते हैं इस बात पे कि अगर बाय चांस बिजली गिरती भी है, बाय चांस बिजली गिरती भी है और कार पे ही गिरती है, और कार पे ही गिरती है, तो जो भी आवेश आएगा वो कहाँ रहेगा? कार के बाह पृष्ठ पर, अंदर नहीं आएगा और आपको झटका नहीं लगेगा। क्या मेरी बात? जब तक आप उसको टच ना करें, अगर आप कार को टच करने लगेंगे तो फिर तो निश्चित ही चालन से लगेगा। किससे लगेगा? चालन से। लेकिन आप बिल्कुल चिंता ना करें कि अगर आप कार के अंदर अच्छे पालती मसाल के बैठे हैं, पाँव भी नीचे नहीं करें और कहीं भी धातु को टच नहीं करें, शांति से रुके हुए हैं, तो समझ लीजिए कि बिजली अगर मेन आपकी कार पे भी गिर जाती है तो भी जो आवेश रहेगा वो केवल कहाँ रहेगा? कार के बाहर पर। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बादल में ऋण आवेश है, तो अगर ऋण आवेश आपकी कार पर गिरता भी है तो वो कहाँ रहेगा? कार के बाहर पर। तो चूंकि इतना ज़्यादा थंडर वोल्ट मतलब कह चाहिए कि इतना ज़्यादा बिजली पर बेंजामिन फ्रैंकलिन शोध कर चुके थे, इसके बाद भी आपको जान के हैरानी होगी कि वो इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए थे या अपने नाम पेटेंट नहीं करा पाए थे। वो जानते थे कि चालक को दिया गया आवेश सदैव कहाँ रहता है? उसके वहाँ पृष्ठ पर, पर वो इतनी दम नहीं बना पा रहे थे कि कुछ ऐसा कर पाए। ठीक है, तो उनके एक दोस्त हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के, जोसेफ प्रिस्टली। अगर आपने केमिस्ट्री में इनका नाम सुना हो, सुना है? मुझे नहीं पता, नहीं सुना। ये इनके दोस्त हैं, तो ये इन्हें इनको आइडिया दिया कि इन्हें इनको बुलाया, भाई हमें ऐसा लगता है कि चालक को दिया गया आवेश सदैव बाह पृष्ठ पर रहता है। तो कह लगे यार लेकिन प्रैक्टिकल करने में डर लग रहा है, थोड़ा बहुत आवेश देंगे तो लोग कहेंगे तस आवेश में क्या फर्क, ज़्यादा दिया और फिर कैसे प्रूफ करेंगे? वो समझते थे वो नहीं थे, ये तो अपनी जान पे खेलने को तैयार थे, लेकिन ऐसे तो उनके मन में आइडिया था। तो इनके जो दोस्त उन्होंने भी कहा कि देखो ऐसा है कि लिफ्ट में जो अपन जाते हैं, लिफ्ट में गए हो कभी? लिफ्ट में तो लिफ्ट में आपको भारहीनता का अनुभव होता है, होता है कि लिफ्ट पूरी बंद होती है तो लिफ्ट के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? तो उनको लगा कि जो संसार में जितने भी नेचर में फोर्स हैं, बोर तो नहीं हो रहा बेटा? हाँ, कहानी सुनने में ठीक रहता है, कभी कभी कहानी सुन लो तो सवाल तो लिखे लेंगे। तो नेचर में जितने भी फोर्स, उनको लगा शायद एक समता है उनमें, तो उनको लगा कि इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ऐसे ही है, पर फिर भी वो नहीं कर पाए। तो ये जो है थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, बहुत सारी कोशिश की इन्हें, काइट एक्सपेरिमेंट इतना फेमस, थंडरिंग क्यों होती है, तल चालक का वो आवेशों का नामकरण, बहुत बड़े आदमी हैं, छोटे आदमी नहीं है, देखो साइज में भी बड़े ही लग रहे हैं, है ना। तो अब आते हैं अपने ही ये भैया, इनका नाम आज पहली बार सुन रहे हैं आप, लेकिन इनका बहुत सुनेंगे। इनका नाम है माइकल फैराडे। क्या है इनका नाम?
अच्छा ये माइकल फैराडे क्या है, ये प्रैक्टिकल फिजिस्ट हैं। दो प्रकार के फिजिसिस्ट होते हैं और दोनों ही अपना महत्व है। एक होते हैं थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए और 50 साल बाद वो चीज़ सही में हो जाती है, 50 साल बाद वो सही में हो जाती है, प्रैक्टिकली प्रूफ हो जाती है। और दूसरे होते हैं जो प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जो प्रैक्टिकल करके। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसा ऐसा बोला और इन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया कि देखो ऐसा ऐसा होगा। और इसका रीज़न भी उन्होंने बताया, इसका रीज़न भी उन्होंने बताया कि उन्होंने माइकल है। अवधारणा किसने रखी थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। पर बताया किसने? माइकल। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लास्ट प्रूफ कर देंगे आप, फौड़ा होने माइकल फैराडे से उन्होंने बताया। तो माइकल फैराडे बड़े प्रैक्टिकल वाले आदमी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करते हैं, आती जहाँ चाहे सारे जान लोगों। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वेरी फेमस, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है आइस पेल एक्सपेरिमेंट। अगर कभी शौकीन वौकीन हो, गए हो कहीं पे, तो एक बाल्टी होती है इसमें बर्फ रखी होती है, फिल्मों में तो देखी होगी, निकाल के डाल देते हैं गिलास में, देखो हंस रहे हैं सबके सब, मतलब थोड़ा ज्ञान है तो पक्का होना चाहिए। उस एक्सपेरिमेंट का नाम ही आइस पेल एक्सपेरिमेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पीते थे कि नहीं पीते थे, पानी तो सभी पीते हैं यार, है ना। तो मैं तो बस बता रहा हूँ कि आइस पेल एक्सपेरिमेंट है, तो मैं इसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइस पेल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि एक उनके पास एक कुचालक रहता है। क्या रहता है? एक कुचालक। तो एक कुचालक रहता है, तो देखो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप करिए घर पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक मोटा सा ग्लास लीजिए आप, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। तो कुचालक जो सर, उन कुचालक के ऊपर वो एक चालक गिलास रखते हैं। क्या रखते हैं? चालक गिलास। और अपने फुग्गा या जो भी, जिससे आप उस समय घर्षण खूब चलता था, तो घर्षण से इसको क्या कर देते हैं? आवेशित। और फिर वो इस फुग्गे को इसमें क्या कराते हैं? टच कराते हैं। क्या कराते हैं? टच। और फिर वो अंदर की सरफेस में बताते हैं कि अंदर की सरफेस पर कोई आवेश नहीं है, और केवल आवेश कहाँ पर है? बाहर के। अपने सिलेबस में नहीं है, बता रहे हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिकली इनने करके दिखाया था, माइकल फैराडे ने आइस पेल, तो उन्हें ये भी समझाया था कि आवेश बाहर सब कुछ कैसे लग गया। ये सब लोग लिखेंगे प्रयास, सब लोग लिखेंगे कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहर कष्ट हुआ। ये तो बुक में दिया है, पर क्यों होता है ये कोई नहीं बताएगा। प्लीज़ आप पूछें अपने दोस्तों से, ताकि मेरी जो मतलब रिस्पेक्ट है वो बनी रहे। वैसे तो सबको चल जाएगा पता वीडियो डलने वाला है, फिर बाकी जो लोग नहीं देखते हैं ठीक है वो बात अलग है। तो आइस पेल एक्सपेरिमेंट के पहले, माइकल फैराडे के आइस पेल एक्सपेरिमेंट के पहले थोड़ा सा वो प्रेरण याद है, प्रेरण जिनको नहीं आया, जैसे उन्नति आज ही आई है, उन्नति आज ही आए हो ना, तो वही तो इसलिए तो हम बता रहे हैं बार बार, वरना हमें तो बताते ही नहीं। तो जैसे इस पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। और इस पर कौन सा आवेश है? नहीं, इस पे धन आवेश है ना। देखो धन का प्रभाव ऋण क्या कर रहा है? समान। तो जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या होगा, नेगेटिव वाली सिरे पे आ जाएगा प्लस आवेश और दूसरे सिरे पे आ जाएगा माइनस आवेश। सही है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। अब आ जाते हैं माइकल फैराडे के आइस पेल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने समझाया है कि कैसे आवेश बाहर चला गया, कैसे आवेश। देखिए यहाँ पे ये मेटल का है, ये काय का है? धातु का। गजब की बात है कि अगर इस पे माइनस क्यू आवेश है, चलिए देखिए। तो मैं ये बोल रहा था कि चालक में क्या खास बात होती है कि अगर इस पे माइनस क्यू आवेश है, इस पे क्या है? तो जैसे ही आप इसको यहाँ लाएंगे, देखिए और क्या हो गया, एक मिनट क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इस क्रिया का नाम बताइए आप मुझे, परेशान है। इस क्रिया का नाम है प्रेरण। देखिए आपको भी पता था लेकिन आपने तो एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन किसने किया? माइकल। तो निकटवर्ती सिरे पे कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। और दूरवर्ती सिरे पे क्या आ गया? अच्छा धातु में गजब की बात ये होती है कि जितना आवेश यहाँ है, अगर ये माइनस क्यू है तो ये, तो अगर ये माइनस क्यू है ना तो ये क्या रहेगा? प्लस क्यू। और ये क्या रहेगा? माइनस। कम होता है कुचालकों में, प्रेरण तो होता है पर कम होता है इसमें, एग्जैक्टली इतना तो नॉर्मल चीज़ है। तो ये क्या है? माइनस क्यू। ये क्या है? प्लस क्यू। और ये क्या है? अब अपन ने इसको टच नहीं कराया, क्या नहीं कराया है? तो जैसे आप इसको टच कराएंगे तो ये माइनस और प्लस चालक है, एक दूसरे के प्रभाव क्या कर देंगे? निरस्त कर करेंगे वो, तो क्योंकि टच किया अपन ने तो प्लस माइनस मिल जाएंगे, तो एक दूसरे प्रभाव क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। अब आवेश केवल कहाँ पे है? बाहर। हम ये कह रहे थे बेटा कि असल में ये देखिए मिला जुला काम है, ये काम मिला जुला है कि पहले क्या हुआ, ये प्रेरण माइनस क्यू प्लस क्यू, बाहर क्या आ गया? माइनस क्यू। फिर इस माइनस क्यू ने इस प्लस क्यू क्या कर दिया? समाप्त, समाप्त कर दिया। तो अब बाहर क्या है? माइनस क्यू। तो ये माना जा रहा है कि इसने अपना आवेश किसको दे दिया? माइनस क्यू। वो कहाँ पे है? बाहर। प्रश्न कहाँ पे है? अब मानसी वैसे ये नॉर्मली सही नहीं है क्योंकि
आवेश चल के यहाँ भी आ जाएगा, ये भी धातु है, लेकिन अगर ये पूरा बंद हुआ तो आवेश अंदर नहीं जाएगा, आवेश क्या नहीं जाएगा, अंदर। ये माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। तो अब रियल में ऐसा होता है, उसके लिए उन्होंने सबको बताने के लिए कि रियल में ऐसा होता है, उन्होंने एक कमरा बनवाया था, कमरा दिख रहा है, ये कहलाता है फैराडे केज रूम। क्या ये पूरा धातु का कमरा है, बस नीचे की सरफेस को चालक है जिसपे एक कमरा रखा है। तो ये क्या करते थे, अपने दोस्तों को घर बुलाते थे, बहुत सियाने ऐसे दोस्त किसी को ना मिले, ये दोस्तों को क्या बुलाते थे, घर बुलाते थे और उनसे कहते थे आओ भाई बैठो, और उनको कमरे के अंदर बैठा देते थे कि भैया दो मिनट में आ रहे, और दरवाजे बाहर से बंद कर देते थे। बनवाए अच्छा कमरा, तो वो भी सोचते थे कि यार क्या कमरा है, फिर ये बाहर से अच्छा बहुत भयंकर आवेश देते थे। क्या देते थे, आवेश। फिर जब दोस्त को निकाल देते, भैया कछू भाओ, बोले कहा भाओ, तो बोले कुछ नहीं हुआ, बोले हाँ कुछ नहीं हुआ, बोले बस सेवा जाओ घर। तो ये काफ़ी दोस्तों के साथ इन्हें एक्सपेरिमेंट किया अपना, फिर सबको इन्हें करके दिखाया, एक आदमी को अंदर ले गए और बाहर से बहुत तगड़ा आवेश दिया, क्या दिया, बहुत तगड़ा आवेश, और उसको कुछ नहीं हुआ। तो इन्हें प्रैक्टिकली प्रूफ करके बताया कि प्रैक्टिकली इन्होंने प्रूफ करके बताया कि चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके बाहर पृष्ठ पर रहता है, समझ में आया। लेकिन इसके बाद भी, इतना सब बताने के बाद भी, मैंने आपको मतलब अभी भी और बात करेंगे, कोई भी बच्चा ये नहीं मानेगा कि हम बच जाएंगे, नहीं मानोगे ना। तो अब मैं आपको एट द फाइनल एक नेशनल जियोग्राफी नाम का चैनल देखते हो, नहीं देखते हो, मैं मनाऊंगा, सुनो, यकीन नहीं मानेंगे आप कि मेरे नॉलेज का, जो आपको लगता हो अगर काफ़ी दिन से पढ़े तो लगता है ऐसा को काफ़ी कुछ पता है, मेरे नॉलेज का लगभग 10-15% हिस्सा जिस चैनल का है वो है नेशनल जियोग्राफी। बहुत ही चैनल है, उनकी सीरीज, उनकी हर चीज़ बहुत बढ़िया है, इतनी अच्छी अच्छी मूवी बनाई है उन्होंने, इंग्लिश में बस है हर साइंटिस्ट के लिए, ये सारे एक्सपीरियंस सब कुछ आपको मिलेंगे वहाँ। ये जो मैं आपको इतना सब कुछ बताता हूँ, ये मैंने बहुत मेहनत से एडमायर किया है। तो अंकिता, अंकिता को इस रूम में लिया जाएगा, है ना। तो अब मैं आपको, मैंने इतना सब कुछ बता दिया है प्रयास, ठीक है, तो अब मैं आपको प्रयास एक दिखाऊंगा। ये है रिचर्ड हैमर, इनका नाम क्या है भैया का, रिचर्ड हैमर जी, ऐसे पगलियाँ ही कर रहे थे। एक और है तो मैं बता, वो भी कीड़ा ककड़ा खा रही थे, कहा नाम उनको, अरे मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं आता कुछ करके, उनका नाम नहीं याद है हमें। एक आदमी है जंगल में जाते हैं, कीड़ा वीड़ा खाते हैं चिपकर, हाँ देखा है, ये कुछ अजीब आदमी है। तो भैया ये जो है, ये कार के अंदर बैठेंगे, देखो ये कार दिख रही है, ये भैया एक कार के अंदर बैठेंगे, उस कार पे, अब देखो ये तो हमने नहीं बनाया ना, सारी चीज़ें मैंने भी चलाने से रियल वीडियो लाए। अब तुम अगर ये चाहो कि हम कार में हम बैठ जाएंगे, लेकिन हमारे इतने पैसे नहीं है कि हम बहुत सारा आवेश कार पे डाल सकें, ठीक है, अब आगे जाके कभी हुआ तो डालेंगे, और अगर कंघी घिस घिस के डालेंगे तो तुम कहोगे लगे मजाक करने। तो ये भैया गाड़ी में बैठेंगे, देखो डर तो इनको भी लग रहा है, ऐसा नहीं कि डर नहीं लग रहा है, ये लाइट स्टेशन पे गए, देखो कितना दूर है सब लोग, देखो डर तो भैया को भी लग रहा है, ऐसा नहीं डरते सब लोग हैं, ये भूल रहे हैं कि अगर बच गए भगवान के लिए तो ठीक है, फिर हमारी शादी हो जाएगी, और नहीं बचे तो नाम तो रह जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ रियल एक्सपेरिमेंट, है ना। ये वांडी ग्राम के नेत्र है, आपको बताएंगे किसी दिन, अभी पढ़ाएंगे जब, उससे अपन एक बहुत सारा आवेश स्टोर कर लेते हैं और एक बार में बहुत सारा आवेश निकाल सकते हैं। इसका नाम जो डाल रहे हैं ना, इसका नाम क्या है, वांडी ग्राफ जनरेटर, ये आप घर पे बना सकते हैं, लास्ट ईयर बच्चों ने बनाया था, तो बड़ा नहीं छोटा बना सकते हैं वांडी ग्राफ। ये भैया तो पका रहे हैं यार, चलो अब होगा कुछ, देखिए ये तो दिया है ना भैया, देखिए डाल रहे हैं कार पे, क्या डाल रहे हैं, बहुत सारा आवेश, और भाई जिंदा है, ठीक है भैया बच गए। तो चलिए अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, चलिए तो अभी भैया बच गए हैं, समझ में आया सभी को। तो अब मैंने आपको इतने सारे सबूत दिए कि प्रयास, जो आपका चालक को दिया गया आवेश है वो सदैव कहाँ रहता है, वहाँ पृष्ठ पर। अब आप सोच रहे होंगे सर एक लाइन के पीछे इतना क्यों परेशान कर रहे हैं, बात एक लाइन की नहीं है, बात है मज़े की, जिसकी कहानी हमें चल जाती है पता, उसकी कहानी हम बच्चों को
बता देते, देखो कितना सारा चालू हुआ है सब कुछ। तो फेराडे का जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने मित्रों को आप बताएं, अगर उन्हें प्रेरण ध्यान से पढ़ा है तो उसको झुटला नहीं सकते, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन मैं आपको बताऊँ, ध्यान समझिएगा। देखो ये चालक है, ये क्या है? अब मानसी का कहना है कि चलो यार ये ठोस चालक है और मानी गई कि ऊपर रहेगा, कहाँ रहेगा? समझो ये पूरा गोला लोहे का है, क्या है? ए भैया बच्चे तो बड़े खतरनाक हैं, ये पूरा गोला का है क्या? देखो क्या है ये, धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि आपको कैसे पढ़ना पसंद हो वैसे पढ़ाने लगेंगे, है ना। छोड़िए, तो सपोज अपन ने इसको आवेश दिया, क्या दिया? अब समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और वो जितना हो सके यथा संभव एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहना चाहते हैं। ये बात तो आप समझते हैं कि आवेश जितना हो सके एक दूसरे से क्या रहना चाहते हैं? अधिकतम दूरी पर। तो अब मान लो सबकी बातें झूठी, प्रैक्टिकल बात झूठी, थियोरेटिकल तो फालतू थी, प्रैक्टिकल देख लिया अपन ने। तो मान लो ये आवेश अंदर आ गया, क्या आ गया? चालक है ना मानसी, तो आवेश चल सकता है, आवेश क्या हो सकता है? चल सकता है। तो मान लो यहाँ आ गया, ये आ गया, यहाँ पे आ गया। अब बताओ इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो दूर जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा दूरी है कि बाहर ज़्यादा दूरी है? बाहर ज़्यादा दूरी है। तो यहाँ से एक बात और आप समझ सकते हैं कि वहाँ प्रश्न इसलिए रहता है क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और वो अधिक से अधिक दूरी पर रहना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा दूरी वो कहाँ मेंटेन करके रख पाएंगे? सरफेस पे। इसलिए आवेश कहाँ रहता है? सरफेस पे। तो बहुत सारे लॉजिक हैं, चाहे ये लॉजिक ले लो चाहे वो लॉजिक ले लो। एक और लॉजिक है, ये बंद कर देना बेटा। हाँ एक और लॉजिक है पोटेंशियल एनर्जी का। किसका लॉजिक है? पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो वैसे तो अभी आपने नहीं पढ़ी है पर एक मैं आपको एग्जांपल की बात देता हूँ, ध्यान समझना। तो प्रयास प्रयास कि ये जो कुर्सी है इस कुर्सी में दो जगह है, एक ये है और एक ये है, तुम किस पे खड़ा होना पसंद करोगे? इस पे भी हो जा सकते, कई लोग सर्कस वाले हो जाते हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विक्रम सर ये प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकते तुम लोग, ये हमने दिखा दिया है, समझ रहे ना, ये भी बड़ी बात है। तो इस पे बैलेंस बनाना पड़ता है। तो हम क्यों बैलेंस बनाएं? तो ये जो है ये हमारी जो स्थायित्व है ये अधिकतम है और स्थिति ऊर्जा क्या है? न्यूनतम है। इस ऊर्जा क्या है? न्यूनतम। तो इन एनी केस प्राची आवेश मान लो कि अंदर आ भी गया तो भी ये कंटिन्यू एक दूसरे को क्या करेंगे? फोर्स करेंगे बाहर जाने के लिए। तो हिलते डुलते रहेंगे, क्या करते रहेंगे? हिलते डुलते। तो इनका जो स्थायित्व है वो कम रहेगा, क्या रहेगा? कम। तो स्थायित्व कम मतलब स्थितिज ऊर्जा जो है वो हुई क्या? ज्यादा। एक एग्जांपल के लिए प्रयास ये देखो, इसका स्थायित्व अधिकतम है। अगर इस कंचे को तुम थोड़ा यहां वहां कर भी दोगे ना बेटा तो ये वापस यहीं आ जाएगा। ये देखो ये भी कच्चा रखा है पर इसका स्थायित्व क्या है? न्यूनतम। इसको थोड़े धक्का दोगे तो ये ठीक है, तो ये उल्टा रहता है, स्थिति से उल्टा रहता है। तो असल में यहाँ स्थायित्व क्या बेटा? क्या है? न्यूनतम। तो पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम। क्या? तो पानी जो ऊपर भरा है टंकी में, ऊपर टंकी में भरा है, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है? अधिकतम। ठीक है, तो जैसे नल चालू हो तुरंत पूरा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे, क्योंकि टंकी में ऊपर क्या है? स्थिति ऊर्जा। असली मसाले सच सच MgH हाइट पे रहता ना पानी, तो पानी आता है नीचे नल चालू करने से, मोटर से आता है? मोटर से आता है नहीं, तो पानी कैसे आता है? क्योंकि उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। लेकिन अब नीचे से ऊपर ले जाना है तो उसको ऊर्जा देनी पड़ती है, मोटर का यूज करना पड़ता है, तो उसका स्थायित्व नहीं है। तो असल में यहाँ पे जो है अंदर स्थिति ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा। इस कारण का स्थायित्व अधिकतम नहीं होता। लेकिन जब ये कहाँ आ जाते हैं? सरफेस पे, तो ये स्थायित्व इनका क्या हो जाता है? अधिकतम। तो स्थिति ऊर्जा क्या हो जाती है? न्यूनतम।
तो जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो उसमें हम ये बोलते हैं कि आवेश बाह्य पृष्ठ पर इसलिए रहता है ताकि उसका स्थायित्व क्या रहे, अधिकतम, या ये कह सकते हैं कि स्थिर ऊर्जा क्या रहे, न्यूनतम। स्थायित्व समझ आया बेटा? नहीं आया? तो कुल मिला के आज की बात ये है कि चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है। क्यों क्यों रहता है? क्योंकि समान आवेशों में क्या होता है, और अधिकतम दूरी पर जाने का क्या करते हैं, प्रयास। और अधिकतम दूरी कहाँ कर सकते हैं, वो अंदर आएंगे तो देखो दूरी क्या हो गई, कम, तो जितना हो सके वो क्या जा रहा था, दूर। दीवान वगैरह फिर यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, हवा में थोड़ी चले जाएंगे, हवा तो क्या है, कुचालक। अब बताओ बेटा कि अगर आपके पास एक कुचालक गोला है, रबड़ की गेंद है, तो क्या उसमें ऐसा होगा? उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दूर जाना तो चाहते हैं, दूर जाना तो लेकिन चल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? चल। ये बात मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि अगर आप कांच के गोले को घिसेंगे तो जहाँ घिसोगे वहीं आवेश आएगा, लेकिन अगर किसको घिसोगे, लोहे के, तो जहाँ घिसोगे वहाँ आवेश आएगा और तुरंत वो क्या हो जाएगा। और समान रूप से ये बात मैंने बताई थी कि चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पे समान रूप से वितरित होता है। आप लोग उतनी सिंसियरिटी से नहीं पढ़ते बेटा, जब पेपर में ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप सब भूल भाल जाओगे। हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, नोट में नहीं लिखवा रहे, लिखो लिखो नोट, लिखो नोट, ये नोट नहीं चल रहे, समझ में आया कि नहीं आया। और आप नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर याद करना चाहें तो वो पृष्ठ पर इसलिए रहता है ताकि उसका स्थायित्व अधिकतम हो या स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो, समझ गए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है, क्यों क्यों? समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्ष। अब जैसे हर टंकी की कैपेसिटी होती है, हर टंकी की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, उसके बाद उसमें पानी भरो तो पानी क्या होने लगता है, बाहर। वैसे हर चालक को भी आवेश देने की क्या होती है, कैपेसिटी। अगर आप उससे ज़्यादा आवेश दोगे प्रयास, तो ऐसा समय आएगा जब आवेश कहाँ जाने लगेगा, वायु में भी जाने लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब बहुत बोर हो गए बर्तन में पानी भरो तो पानी का तल बढ़ता है, चालक पे आवेश भरो तो चालक का वोल्टेज बढ़ता है, और जब ये वोल्टेज 30 लाख वोल्ट क्या 30 लाख वोल्ट से अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है, अधिक, तो फिर आवेश यहाँ से निकले कहाँ जाने लगेगा, वायु में, 30 लाख वोल्ट पर मीटर से अधिक हर मीटर में, तो ये कहाँ जाने लगता है, वायु में, समझ गए, कहाँ जाने लगता है, वायु। तो ये आवेश निकल के वायु में जा सकता है, आवेश जो है वो निकल के वायु में जा सकता है, कब, 30 लाख वोल्ट से अधिक वोल्टेज हो जाए। ठीक है, तो ये आवेश जो है वायु सरफेस पे रहेगा लेकिन वायु में भी निकल के जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें। पर इसके लिए बहुत इतना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पर जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, मैं तो भूल ही गया, चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके वहाँ पृष्ठ पर रहता है, क्यों क्यों रहता है, प्रतिकर्षण होता है, और वो एक दूसरे से ज़्यादा संभव दूर जाना चाहते हैं, और वो अधिकतम दूरी कहाँ बना सकते हैं, सरफेस पे, इसलिए वो कहाँ रहता है, वहाँ पृष्ठ पर। फिर अब माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट दिखा दीजिए, और सबसे बड़ी बात, क्यों तुम्हें सबूत चाहिए, दिख तो रहा है सामने, तुम्हें थ्योरी क्यों चाहिए, अब तुम्हें प्रैक्टिकली दिख रहा है कि आवेश सदैव कहाँ रहता है, वहाँ पृष्ठ, समझ में आई बात। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप करेंगे एक्सपेरिमेंट लोहे की टंकी में। अब ध्यान सुनिए, लोहे की टंकी एक तो मोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, प्लस आप अंदर किसी कुचालक पर बैठे होने चाहिए, वरना ऐसा है कि आवेश को घूमना है, आवेश को क्या करना है, घूमना, तुम सीधे बैठे गुरु थे, अगर सीधे बैठ गए तो फिर तो वो चालक हो, तुम तो क्या हो, चालक। तो इसका ध्यान रखें, टंकी क्या होनी चाहिए, मोटी, प्लस में ये जो चार्ज है ये स्टैटिक चार्ज है, क्या है, स्टैटिक चार्ज नहीं जाता अंदर, कौन सा नहीं जाता, लेकिन करेंट, हाँ, स्थिर आवेश नहीं जाता, जो अपन घिसके निकालते हैं ना इसको स्थिर आवेश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और जो तार में बहता है ना वो गतिमान आवेश, वो क्या है,
गतिमान आवेश जाता है चालक के अंदर, याद रखना गतिमान आवेश चालक के अंदर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश है वो चालक के अंदर ही गति कर रहे हैं, वो तो सरफेस पे नहीं है, वो तो सरफेस पे नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो गलती से ये वाला करेंट ना लगा देना, ना आदमी मर जाए और हमसे कहो सन ने कहा था।